फैल गई है। बीजेपी का तो मान्यता ही रद्द होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए पार्टी। उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। तो शर्म आने के बजाय आपको इस बात पे अपनी सरकार के ऊपर गुस्सा आने के बजाय आप सरकारी स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। कहना चाहूँगा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से कि बिल्कुल बटो नहीं, मिल के भाजपा को हराओ। इस समय उपचुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। दुर्भाग्य से उस उपचुनाव में भाजपाइयों ने क्या किया है 7-8 साल में या 10 साल में, केंद्र में इसकी चर्चा नहीं हो रही। कितना रोजगार दिया, कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, वही नफरत का एजेंडा है लोग अपना चला रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है चुनाव, इंडिया गठबंधन के दल के रूप में। तो हम लोग उनके प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे और जहां आवश्यकता हुई मैं प्रचार के लिए भी जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को रोकना है, सांप्रदायिकता की राजनीति को रोकने का काम करना है। और यूपी में जो कुछ भी थानों में हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहे मोहित पांडे की हत्या का मामला हो, वो चाहे शुभम गौतम के हत्या का मामला हो, अमन गौतम के हत्या का मामला हो थाने में, या फिर इंदल सिंह जो पूर्व फौजी हैं उनको रायबरेली में पुलिस वालों ने किस बर्बरता के साथ पीटा, ये सब कुछ सामने है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। कानून का राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मनमाने तरीके से जो कुछ भी बन पा रहा है वो यहाँ की पुलिस कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो ऐसे मामलों में इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ऐसी कार्रवाई का संरक्षण कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोटे मोटे तौर पे मुझे इतनी ही बात कहनी थी। आपके अगर और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। स्कूल वाले मामले में डीजी ने सफाई दी है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई योजना नहीं लाई जा रही, ना स्कूल मर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो बेसिक शिक्षा के महानिदेशक उनके द्वारा ऐसी सफाई दी गई है। देखिए ऐसा है, झूठ बोलने के मास्टर लोग हैं ये। अगर ये बात उनकी सच है 26,000 सरकारी स्कूल बंद हैं उसको खोलने के लिए काम करें। हमारी दोनों मांग होगी सरकारी स्कूल बंद ना किए जाए और सरकारी स्कूल जो बंद किए गए हैं उसको खोला जाए। तो हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे। 50 से कम बच्चों वालों को समायोजित करने की बात की गई है, समायोजित करने की बात की गई है। जहां पे 50 से कम बच्चे हैं वहां के स्कूलों को समायोजित करने की। ये तो अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है। आपने स्कूलों को इतना बदहाल कर दिया कि वहां पे बच्चे अपने पढ़ाना नहीं चाहते लोग, तो 50 बच्चे कैसे पूरे होंगे सर, आप मुझे बताइए। अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे, टूटे होंगे, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ेंगे बच्चे, मिड डे मील में उनको पानी वाली दाल दी जाएगी, क्यों जाएंगे वो स्कूल पढ़ने के लिए। आपने सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया, इसलिए 50 से कम बच्चे होंगे तो आप उसको सुधार करने के बजाय उसको बंद कर देंगे। आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके स्कूल में 50 बच्चे भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? तो शर्म आने के बजाय आपको इस बात पे अपनी सरकार के ऊपर गुस्सा आने के बजाय आप सरकारी स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। देखिए मैं तो बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में नफरत भरी हुई है। ये देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से कि बिल्कुल बटो नहीं, मिल के भाजपा को हराओ, इकट्ठा होके भाजपा को हराओ, सारे लोग इकट्ठा हो जाओ उनके खिलाफ। एक ऐसा सुबह से वो कह रहा है कि भगवंत मान आने वाले समय में जेल जाएंगे, तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि उनको जेल की संभावना उनके है? ऐसे हमारी पार्टी के बारे में ऐसी बातें बराबर लोग करते रहते हैं, लेकिन हम जेल से, मुकदमे से, लाठी से, इनसे ना डरने वाले हैं ना रुकने वाले हैं। जेल तो मुझे भी भेजा मोदी जी ने, तो इसलिए इस बात की ज़्यादा हम परवाह भी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि कहीं भी बिल्डोजर नहीं चला जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट को जो है ठंडे बस्ते में डालकर समझा देते कि बिल्डोजर कैसे देखने सर? देखिए मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये देश विरोधी पार्टी है। जो पार्टी देश को तोड़ने की बात करे खुलेआम,
इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का कैसी नफरत की भाषा बोल रहा है, झारखंड के चुनाव में देखिए आप, बटेंगे कटेंगे। अरे बाबा साहब का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है भाई, भारत का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है, संघीय ढांचे की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। आप तो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, कुचल रहे हैं लोगों को। तो मैं तो कहता हूं इस पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये एक देश विरोधी पार्टी गलती से अपने नफरत के एजेंडे से पूरे देश में फैल गई है। बीजेपी का तो मान्यता ही रद्द होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए पार्टी। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के नाते ऊपर से आप शुरुआत करेंगे चुनाव प्रचार, गाजियाबाद या करहल या कुंडरकी? अब ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग लोगों से बातचीत होगी और जो जहां वो चाहेंगे प्रचार के लिए वैसे ही कार्यक्रम बना लेंगे। केजरीवाल जी का भी कुछ कार्यक्रम? अभी केजरीवाल साहब का कार्यक्रम नहीं बना है, जब उनका भी कार्यक्रम 3 राज्यों में जैसे ही बनेगा कहीं भी जाने का मैं बताऊंगा। आप बीजेपी के सदस्य हैं, अब वक्त बोर्ड के बाद देवकीनंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड की मांग करने की बात की है सरकार से, इस पे क्या कहना चाहिए? तो उस सनातन बोर्ड में रहेगा कौन पहले ये बताइए। 100 साल से इस देश का एक संगठन है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, अगर आप मौका लगे तो पूछ लीजिएगा। 100 साल हो गया इनको, ये 100 साल पुराना संगठन है। 100 वर्षों में एक भी दलित पिछड़ा और आदिवासी RSS का प्रमुख नहीं बना। कारण क्या है बताइए मुझे आप, एक भी दलित पिछड़ा और आदिवासी RSS का प्रमुख नहीं बना। पहले तो इस पे बहस कीजिए ना। इस देश की 80-85% आबादी को आप अपने संगठन में हिस्सेदारी नहीं देते। आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि दलित मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा? आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि आप भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, भारत की राष्ट्रपति को, मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे? क्योंकि एक दलित समाज से थे और दूसरी आदिवासी समाज से। इसलिए इस बात को मत छेड़िए, माफी चाहता हूं, इस पे लंबी बहस हो जाएगी। 100 साल हो गए RSS को, एक भी दलित और पिछड़ा या आदिवासी उन्होंने RSS का प्रमुख नहीं बनाया। हिंदू की परिभाषा क्या है बीजेपी के दिमाग में, इस पे पहले बहस कीजिए ना। धन्यवाद। अरे अवधेश प्रसाद से तो मान लीजिए चुनाव हारे हैं, उनको कष्ट हो सकता है। रामनाथ कोविंद जी से तो चुनाव नहीं हारे थे ना, ना द्रौपदी मुर्मू जी से चुनाव हारे थे।